ने अनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का शानदार आयोजन किया। देश के युवाओं में कर्तव्य बोध और सेवा भाव का विस्तार करने के लिए मेरा युवा भारत संगठन बनाया गया है। अभी तक इस संगठन से लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दरार पड़ गए हैं। इस कठिन दौर में मेरी सरकार ने भारत को विश्व मित्रों के रूप में स्थापित किया है। विश्व मित्रों की भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं। बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रम को दिल्ली के गलियरी तो की सीमित रखा जाता था। मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया है। भारत ने G20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा, ऐसा पहले कभी नहीं था। देश भर में हुए कार्यक्रम के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्य से दुनिया का परिचय हुआ। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। पूरी दुनिया ने भारत में हुए ऐतिहासिक G20 सम्मेलन की प्रशंसा की। ऐसे बंटे हुए महलों में भी एकमत से दिल्ली घोषणा पत्र जारी होना ऐतिहासिक है। वुमेन लेड डेवलपमेंट से लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर भारत का विजन दिल्ली घोषणा पत्र की नींव बना। हमारे प्रयासों से G20 में अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्यता को भी सराहा गया है। इसी सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण को की घोषणा हुई है। ये कॉरिडोर भारत के सामुद्रिक सामर्थ्य को और सशक्त करेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च होना भी बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के कदम वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौरे में भी भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। भारत की विदेश नीति का दायरा आज अतीत की विदेशों से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया की एक प्रमुख आवाज है। भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत वहां तेजी से पहुंचने का प्रयास करता है। मेरी सरकार ने दुनिया भर के काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। ऑपरेशनल गंगा, ऑपरेशनल कावेरी और वंदे भारत जैसे अभियान चलाकर जहां जहां संकट आया वहां से हर भारतीयों को हम तेजी से सुरक्षित वापस लेकर आए। मेरी सरकार ने योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की भारतीय परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में
135 देशों की प्रतिनिधित्व ने एक साथ योग किया। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मेरी सरकार ने आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। माननीय सदस्यगण, सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए। इस वर्ष 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान। ये करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है। माननीय सदस्यगण, आप सभी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल कॉलेज में है, उनके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी ना रहे। विकसित भारत हमारी अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा। इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ना होगा। माननीय अटल जी, माननीय सदस्यगण, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं है। अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं। मेरी सरकार 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को निरंतर ऊर्जा देता रहेगा, नई और स्वस्थ परंपरा बनाएगा। वर्ष 2047 को देखने के लिए अपने साथी तो अब इस सदन में नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसे होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद रखे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।